हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो पे। आज हम यहाँ पे देखेंगे एक बेसिक प्रोटोकॉल रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या इसकी लिमिटेशन है। तो पहले मैं नेटवर्क डायग्राम समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दो राउटर लिए हुए हैं, एक है R1 एक है R2। इनके बीच में मैं रिप कन्फिगर करूँगा। R1 के साथ मेरा एक स्विच कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट है, देखो R1 से डायरेक्ट कनेक्ट। और उसके बाद मैंने एक पीसी लिया हुआ है एज अ सर्वर, जिसका आईपी है 172.29.10.100। ठीक है, तो ये आर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ये आर के साथ ये वाला जो नेटवर्क है थ्रू इस स्विच के कनेक्ट है। इस पे यही एक समझने वाली चीज़ है कि Router 1 के साथ जिस पे हम रिप कन्फिगर करेंगे उसके साथ ये नेटवर्क 172.29.10.100 जो है डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, थ्रू इस स्विच के कनेक्ट है। इसके साथ जो राउटर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क है वो है 192.168.1.1/30 वाला। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं इसमें क्या कन्फिगर किया है मैंने। R1 पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन रेडी करके रखी है। ठीक है, ये इसका वैन इंटरफेस है, ये लैन इंटरफेस है 192.168.1.1। ठीक है, इस तरफ मैंने देख लेते हैं रिप कन्फिगर करके रखी है। यानी ठीक है, कन्फिगर करके रखिए। चलो मैं इसे हटा देता हूँ पहले। नो राउटर रिप शो रन एस रिप। ठीक है, हटा दी है। अगर इस तरफ होगी तो इस तरफ भी मैं हटा देता हूँ। नो राउटर रिप। ठीक है, और अभी इस पीसी पे लॉगिन करके देख लेते हैं कि इस पे क्या आईपी दिया है। अगर नहीं दिया होगा तो फिर हमें दोबारा कन्फिगर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कोई आईपी नहीं, तो आईपी दे देते हैं जो हमने दिया है 172.29.10.10 दे देते हैं, 255.255.255.0/24 का है। और इसका जो हमारा गेटवे है वो रहेगा हमारा स्विच का इंटरफेस, जो इसके लिए वीलैन बनाई है 200.10.1 172.29.10.1। इधर हम स्विच पे देख लेते हैं, देखते हैं गेटवे पिन आ रहा है 172.29.10.1। ठीक है, गेटवे रीचेबल है, मीन्स ये वाला जो है इंटरफेस इसका E0 इसके साथ कनेक्ट है, इस स्विच के साथ ये आपस में कनेक्टेड है। R1 से भी इसको पिंग करके देख लेते हैं कि सर्वर पर पिंग 172.29.10.10। ठीक है, ये इससे पिंग नहीं कर पा रहा है, तो यानी कहीं पर राउटिंग इशू है। तो अभी हम पहले स्विच पे लॉगिन करके देखते हैं। कंसोल ले लेते हैं। तब तक इस पे राउट भी देख लेते हैं। शो रन ठीक है, गलत राउटिंग पड़ी है, ये 10 के लिए है। टेन के लिए होनी चाहिए लेकिन 100 के लिए, तो इनको पहले हटा देते हैं। नो इस तरफ 10.10.1 है, और यहाँ देख लेते हैं। ये
34 विलियन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो देख लेते हैं 34 विलियन हमारी ऐप है और इसका 192.168.1.2 इसकी तरफ राउट रहेगा, जो ये है ये डाला हुआ है, ठीक है, पूरे सेगमेंट के लिए। यहाँ पे खाली राउटिंग ऑन करनी पड़ेगी इस पे, IP routing, राउटिंग, ठीक है, तो राउटिंग हुई है, खाली राउटिंग ऑन नहीं होगी, ठीक, ये देखो पिंग आ गया, ठीक है, इसका मतलब जो है हमारा राउटर से सर्वर भी रीचेबल है। अब हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क को और जो इनडायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क को है रिप फॉरवर्ड करता है या नहीं। तो राउटर वन पे पहले हम देख लेते हैं क्या आईपी डाला है, 10.10.10.2, सामने वाले होप को मैं पिंग कर रहा हूँ, 10.10.10.1, ठीक है, और अभी राउटर टू से मैं इसके इंटरफेस को पिंग करूंगा, तो 192.168.1.1, ठीक है, ये पिंग नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिप पे इस पर एडवर्टाइज करेंगे तो इधर से पिंग आने लगेगा। पहले इसके राउटिंग टेबल देख लेते हैं, इस पे केवल इसका लोकल जो है जो आईपी डाला है केवल वही है, डायरेक्टली कनेक्टेड लोकल वाला टू, और इधर भी, इधर इसके सारे इधर राउटिंग की हुई है, ठीक है। अभी चलिए पहले इधर रिप लगाते हैं, उसके लिए कमांड होती है router राउटर रिप, और जो नेटवर्क तुम्हें यहाँ पे एडवर्टाइज करना है, चलिए पहले अपना ही नेटवर्क एडवर्टाइज कर लेते हैं, 10.10.10.0, ठीक है, इधर भी कर लेते हैं, अच्छा इधर बाद में करेंगे, ठीक है, अभी इधर, ठीक है, पहले रिप ही कर लेते हैं, राउटर रिप नेटवर्क 10.10.10.0, इधर और कोई नेटवर्क नहीं है इस तरफ, अभी इसका 192.168 वाला, इसको कर लेता हूँ, सिंपल कमांड होती है नेटवर्क और नेटवर्क का, 168.1.0, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये इधर, पहले जब मैंने इसको आईपी राउट किया था तो इधर वो आईपी नहीं दिख रहा था 192.168 वाला, ठीक है, अभी मैंने इधर इसको एडवर्टाइज कर दिया है, तो अभी इधर देखते हैं इसके राउटिंग टेबल, आईपी राउट, ठीक है, ये देखो इधर आ गया। तो इससे पहले जब मैंने पिंग किया था, कहाँ पे किया था मैंने पिंग, हाँ ये मैंने किया था पिंग 192.168.1.1 को, तो ये पिंग नहीं आ रहा था क्योंकि उधर से एडवर्टाइज नहीं किया था और यहाँ पे इसको रिसीव नहीं हो रहा था, तो अभी ये रिसीव होने लगा है, अभी देखते हैं क्या पिंग आएगा, 192.168.1.1, ठीक है, पिंग आ गया। अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट जो अपना इनडायरेक्ट नेटवर्क है उसको भी ये एडवर्टाइज करता है नहीं करता है, ठीक है, देखो इसके साथ ही डायरेक्ट नहीं है, थ्रू स्विच के हैं 172.29 वाला, जबकि इधर से ये इसको रीचेबल है 172.29.10.1, ठीक है। अभी मैं इधर इसको एडवर्टाइज करता हूँ R1 पे, नेटवर्क R1 172.29.10.0, इधर ये पहले से राउटिंग टेबल में थी इसकी एंट्री, ठीक है, तो अभी देख लेते हैं शो रन एस, देखिए इधर पे ये शो कर रहा है मैंने एडवर्टाइज कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या ये R1 से R2 पे जाता है नहीं जाता है, ठीक है, ये देखो इधर आया ही नहीं, ठीक है। मेंस की रिप में क्या रहता है, ये एक लिमिटेशन है
कि जो इनडायरेक्ट होगा उसको ये आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो रिप में क्या होता है, वो उसका डायरेक्ट कनेक्टेड वाला है जो भी नेटवर्क है, केवल उसको आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये इसके एक लिमिटेशन है, इसी वजह से एडवांस प्रोटोकॉल्स आई थी, जैसे आपका OSPF है और BGP है, जो हमारी डायनेमिक प्रोटोकॉल है। अदरवाइज इसको हम स्टैटिक राउट के थ्रू रीचेबल करा सकते थे, बट हम लोग डायनेमिक प्रोटोकॉल का एक यहाँ पे प्रैक्टिकल देख रहे थे। तो ये सबसे बेसिक प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। इसका एक और प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।